अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजीम चिप्स वाला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस में बिजनेस आइडियाज लेके आता रहता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में एक ऐसा उछाल लाएंगे कि वो सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। नंबर एक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि आप प्रोडक्ट को बनाना सीखें, यानी कि उसको इस तरह बनाना सीखें, इस तरह पैक्ड करना सीखें कि वो एक दुनिया की अलग और मुनफरिद प्रोडक्ट लगे। और जब आप हेल्दी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना लें, उसके बाद नंबर दो पे आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग आसान लफ्जों में कहा जाता है बेचना को। बेच सकते हैं आप तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। अब मार्केटिंग में अगर आप आए तो यह बहुत बड़ा शोबा है। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एसेट होती है कि वो इकट्ठा करती है। अगर आप क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं, आप बहुत अच्छी दुनिया की प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी मार्केटिंग नहीं है, मार्केट नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप बेच नहीं सकते तो आप दुनिया में देख रहे होंगे कि गाड़ियों से लेके हवाई जहाजों से लेके बहरी जहाजों तक, खलाई शटल तक आजकल की दुनिया में बिक रहा है। सब कुछ बिक रहा है, लोगों के पास पैसा है, दौलत है, वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, चीजों को खरीदने में। मगर क्या है कि उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो मार्केटिंग की होती है। अगर आप मार्केट करना, बेचना सीख गए, तो आपको ये गारंटी मैं देता हूं कि आपका कारोबार कभी फ्लॉप नहीं होगा। आप दुनिया का कोई भी कारोबार करें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, दुख की बात है, पाकिस्तान में कभी भी इन दो चीजों पे गौर नहीं किया जाता। पाकिस्तान में सबसे पहले अगर गौर किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे गौर किया जाता है, मुझे क्या बचेगा। हालांकि अगर आप सिंपल वर्ड्स में सुनना चाहें तो पॉसिबल तब है आपको बचना कि अगर तो आपकी सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगी, जिसको मैंने आपको पहले कहा नंबर एक पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि आपने प्रोडक्ट बनाई, उसके बाद आती है मार्केटिंग, यानी कि बेचना। प्रोडक्ट बनाई, उसके बाद आपने मार्केट की, वो बिकी, तब हमें कोई रिटर्न बचेगा, यानी कि वो थर्ड नंबर पे आती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पाकिस्तान में कारोबार, बिजनेस स्टार्ट करना तो दूर की बात, जब सोच ही रहे होते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि हमें क्या बचेगा। बचेगा तो तब ना कि वो बिकेगी, तो बिकेगी तो तब ना कि बनेगी। तो हालांकि हमें सोचना चाहिए थर्ड लेवल पे कि अब हमें क्या बच रहा है। तो ये चीजें थी, दो चीजों को हमेशा के लिए फॉलो कीजिए। अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपने, तब भी, स्टार्ट कर चुके हैं तब भी, अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तब भी, अपना आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमें जान से भी प्यारा है। इन दो चीज़ों को गौर से अगर आपने सुन लिया है तो प्लीज़ इस पे अमल कीजिएगा, क्योंकि हमें एक कम्युनिटी को, इस जो लोगों ने मुझे पसंद करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कि उन्होंने मिलके पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जिंदगी बहुत छोटी सी है,
और मुझे इस छोटी जिंदगी में पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तान के भाइयों के लिए कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, वीडियो को देखने का, लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।